महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक ऐसा नेतृत्व जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र को संभालने की जिम्मेदारी ली है वो शिवसेना पक्ष के पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे, उनका आज जन्मदिन है। हम जन्मदिन की उनको हार्दिक बधाई देते हैं, लेकिन ये जन्मदिन हमारे शिव सैनिकों के लिए एक उत्सव ही है। इस उत्सव में तो जैसे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आह्वान किया है, ये उत्सव यहाँ पर ना मनाते हुए जो कोविड के रुग्ण है उनको जो जो मदद चाहिए आवश्यक मदद वहाँ पर करने की कोशिश करनी चाहिए। और जिस तरह से ब्लड डोनेशन है, प्लाज्मा डोनेशन है, और जिस तरह से एम्बुलेंस देनी है, ये सब चीज़ें जो है उनको उपलब्ध करके देना, ये काम सबको करने के लिए उन्होंने बोला है। और उस तरह तरीके से आज भादवड़ में जहाँ पर शाखा होती है वहाँ दवाखाना खोलने के लिए उन्होंने आदेश दिया है। उस तरह से भादवड़ टेमगरपाड़ा की ये शाखा है, इस शाखा में आज वो ओपनिंग हुआ है दवाखाने का। उसके बाद कोरोना टेस्ट का भी संपदा नाईक हॉल में वहाँ पर टेस्टिंग लैब का आज उद्घाटन हुआ है। जिस तरह से आज राज्य पर, देश पर और पूरे जगत पर संकट है, उस संकट को हम सबको धैर्य से उसका सामना करना चाहिए। और इस संकट काल में जो जो लोग इस संकट से बाधित हुए हैं, चाहे वो कामगार वर्ग है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जिस हर एक क्षेत्र के लोग जो है जिनको इस लॉकडाउन की वजह से परेशानी हुई है, उनको राहत देने का काम सब स्तर से शुरू करने की कोशिश हम लोगों की है। शुरू से लेकर हमने रेशनिंग से लेकर पुलिस को सैनिटाइज़र, वहाँ पर पीपी किट, डॉक्टर्स, नर्स, सबको जो जो चीज़ें आवश्यक है वो देने की कोशिश की है। उसी तरह आज पत्रकार भाइयों को भी यहाँ पर मदद करने की हमारी कोशिश हम यहाँ पर करने वाले हैं। और दूसरी बात जो है, खास करके आप सबके माध्यम से मैं एक आह्वान करना चाहता हूँ कि आने वाले 3 तारीख को मेरा भी जन्मदिन है, उस दिन भी बहुत सारे हमारे मार्गदर्शक नेता हमें शुभकामनाएं देने के लिए आते हैं। बहुत से लोग जो है हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, मित्र परिवार रहेंगे, पदाधिकारी रहेंगे, उस सबको मेरा आह्वान है कि आप प्रत्यक्ष यहाँ पर आकर मिलकर शुभकामनाएं ना दें। आपकी शुभकामनाएं हमेशा हमारे साथ हैं। आपके शुभकामनाओं की वजह से जो कि सामाजिक काम मैं कर रहा हूँ, उस काम में जो बल मिलता है वो आप सबके आशीर्वाद से, शुभकामनाओं की वजह से मिलता है। इसके लिए आपकी शुभकामनाएं हमेशा मेरे साथ है, ये मैं समझता हूँ। और उस दिन आप कोई यहाँ पर ना आते हुए आपके एरिया में जो लोग तकलीफ में हैं उनको मदद करने का काम करें, और आप सब सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, समाज को सुरक्षित रखने का काम आप सब लोग करेंगे, ये मुझे पूरी आप लोगों से उम्मीद है और वो काम आप लोग करोगे। उसी तरह आने वाले 12 तारीख को दही हंडी का जो प्रोग्राम हमारा रहता है, जो महेंद्र समाज कल्याणकारी संस्था के माध्यम से आमदार दही हंडी का आयोजन हर साल होता है, इस साल ये कोरोना के संकट की वजह से वो प्रोग्राम भी रद्द किया जा रहा है। ये आपके माध्यम से सभी गोपालों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, जिस तरह से आप अपने शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए व्यायाम करते हैं, उसी तरह जो एकता की भावना वो दही हंडी के प्रोग्राम में आप दिखाते हैं, वो एकता की भावना हमेशा कायम आपके मनों में रहे, दिलों में रहे। और आप सब लोग समाज की सेवा करें, समाज में जहाँ जहाँ तकलीफ है उन लोगों को मदद करने की कोशिश करें, ये मैं आप सबके माध्यम से आह्वान करता हूँ। और ये कोरोना का संकट है, इस संकट में कोई भी राजकीय भाष्य मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारी समस्या है भिवंडी में, कोरोना की वजह से आई हुई समस्या है, भिवंडी में विकास कामों का भी बहुत सारे जो प्रश्न है, उसी तरह बहुत सारे टोरन पावर जैसा बड़ा मसला भिवंडी का है, ये सभी चीज़ों पर आज भाष्य करना उचित नहीं रहेगा। लेकिन आने वाले समय में मैं आप लोगों को इस सभी चीज़ों पर जिस तरह से उपाय योजना करनी चाहिए या जिस तरह से लोगों के प्रश्न हैं उनको जो जवाब देना है वो जवाब देने का काम निश्चित रूप से मेरी तरफ से मैं करूंगा, और वो भी सबूतों के साथ। इसलिए आज के दिन मैं राजकीय भाष्य न करते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि इस कोरोना के संकट समय में आपको जिस तरह की डॉक्टरों ने टिप्स दिए है, जो सोशल डिस्टेंस रखने को बोला है, या जो भी काढ़ा लेना है वो अपने स्वास्थ्य के लिए गर्म पानी पीना है, भाप लेना है, या और भी चीज़ें हैं, वो सब जो बोले डॉक्टरों ने टिप्स दिए उनको फॉलो करें, खुद सुरक्षित रहे, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने समाज को सुरक्षित रखने का काम करें। और इस कोरोना के समय जो जो लोगों ने, खास करके मैं कोरोना योद्धाओं का यहाँ पर नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ, जैसे कि हमारे आर्मी के जवान हैं, पुलिस है, डॉक्टर है, नर्स है, जो आरोग्य विभाग में काम करने वाला स्टाफ है, उसी तरह
जो स्वच्छता विभाग में काम करने वाले कर्मचारी है, मेडिकल दुकानदार है, किराना दुकानदार है, भाजी सब्जी वाले है, उसके बाद जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी संकट आया है, वो भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पत्रकार बंधु है, दूध डेयरी वाले हैं, ये सब लोग अपने जान के बाजी लगाकर वहाँ पर काम करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से सभी लोग कोरोना योद्धा है और उनका ही उचित सम्मान होना जरूरी है और उनका आदर समाज ने रखना चाहिए। ये काम सबको करना है। इस समय में ये कोरोना के काल में जो लोग उनका उसका सामना करते हुए अपने जान की बाजी लगाए हैं या जिनकी मृत्यु हुई है, उन सबको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर दे, ये प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।